अमृता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो। मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया अमनदीप? और मैंने पता है तू कितने है। वो मैं पिंड में है ना, वो भी उस दिलप्रीत सिंह ब्रार के घर विच। हाँ जी, मोंटी की शादी में आया था मैं। अब तू पिंड आ ही गया है तो मेरा ये काम तुझे करना है। पर मैं कहा ना नहीं सुनूंगा। अब तू सुन करना की है। बोलिए। व्हाट? ग्रैंडपा और बीजी? नहीं रिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा हो चुका है अमृता। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? ये गलत है ना। गलत और सही मैं डिसाइड करूंगा, तू नहीं। मंदीप अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना तू, तो काम पे लग जा जल्दी से, वरना अंजाम तू जानता है। नहीं, मैं पक्का कोशिश करूंगा, पक्का। पुत्र, क्या ये सच है बीजी? क्या आपने मोंटी के दोस्त डॉनर को ये कहा था कि मुझसे दोस्ती करे, मुझसे नजदीकियां बढ़ाए, ताकि वीर जेलस हो जाए और वो सबके सामने ये एक्सेप्ट कर ले कि वो मुझसे प्यार करता है? तुझे किसने बताया? पॉइंट वो नहीं है बीजी, पॉइंट ये है कि क्या ये सच है? हाँ। क्यों? क्या मिलेगा? किसको खुशी मिलेगी बीजी? क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप हम तीनों के साथ? और मुझे और वीर को तो छोड़िए, रिया के साथ कैसा कर सकते हैं आप ऐसा? वही थी ना आप दोनों की जिंदगी में। ग्रैंडपा उसी से प्यार करते हैं ना सबसे ज्यादा, और फिर आज उसी की खुशियों का ख्याल भी नहीं उन्हें। उसकी खुशियों का ख्याल है, इसीलिए कर रहे हैं। पुत्र, हम तेरे भी बीजी दारजी हैं और उसके भी, और वीर की भी फिक्र है। सानू पता है किसकी खुशी किस में है। और तू ना अपने पियो की तरह हर चीज का दोष अपने दारजी को ना दे। समझ आ गई या नहीं? आप लोग चुप कर रहे हो ना, मैं ना तो ये समझ पाऊंगी और ना ही मुझे समझना है। यह मेरी छोटी बहन है और मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। करना पड़ेगा क्योंकि बर्थडे कह रहे हैं, करके मना नहीं कर सकती तू। और चलिए, ये तेरा एहसान होगा। हम पर भी और वीर पर भी। तुम तीनों में से एक भी दुखी हुआ तो हम सब दुखी हो जाएंगे। ना सिर्फ रिया एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रही है जिसमें प्यार नहीं है, बल्कि वीर भी। सिर्फ वो अपने पाऊ जी के एहसानों का बदला चुका रहा है अपनी खुशियों की कुर्बानी देके। और एक कल मेरी चंगी तरीके से समझ ले अमृता, वीर को उसके हिस्से की खुशियां दिलवाने के लिए उसकी बीजी कुछ भी कर सकती है, चाहे उसके लिए तुम दोनों के साथ जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। अमृता, अमृता क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? पीछे से बात कर रहे। कोई फायदा नहीं है सच्ची, उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। वो क्या चाहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया, मैं क्या चाहती हूँ वो मैटर करता है और मैं यही चाहती हूँ कि जो सही है वही हो। पर अगर वो नहीं माने तो वीर को ये प्रूफ करवा के दैट आई हैव मूव्ड ऑन कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को कन्विंसिंगली आगे बढ़ाएगा। पर तुम ये सब करोगे कैसे? ग्रांड और बीजी का खेल खेल के, वो भी तब जब वो सीधी तरीके से नहीं मानेंगे। ठीक है, पर इन सब में मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वीर से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं उसे ये यकीन दिला दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। That I've moved on. What? पर कैसे? हेलो जी, जी आपने मुझे ऐसे खुलेआम इशारा करके ऊपर बुलाया, आप क्या करने वाली है मेरे साथ? तुम ऐसे ही चिपकू टाइप के हो या फिर मेरे ग्रैंडपा और बीजी के कहने पे एक्टिंग कर रहे हो? मतलब आपको सब पता चल गया? देखिए ये सच है कि मैं ये ओवर एक्टिंग ना दद्दू के कहने पे कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो ना जी, और मेरा ना सपना है अमेरिका में सेटल होने का, जो सिर्फ आप पूरा कर सकती है। ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, अरे एक क्यों, दो बोलिए ना। दो नहीं, सिर्फ एक। तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करना होगा। क्या बात है जी, यहाँ सबके सब रंगीन किस्म के लोग हैं, मतलब पूरी की पूरी ब्रार फैमिली। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मुझे वीर को ये जताना है कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ मूव ऑन कर रही हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ एक्टिंग करनी है। बोलो, करोगे मेरा ये काम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, करोगे मेरी हेल्प? ठीक है। छोड़ो, वीर खड़ा है पीछे। मैंने कहा था आपसे, वो बहुत ही बढ़िया जोक्स है मेरे पास। तुम क्या कर रहे हो? गेस्ट हो ना, नीचे गेस्ट के साथ जाकर बैठो। तुमसे मतलब? दोस्त है मेरी। दोस्त तेरी? ये कब हुआ? चल हट। ओए ओए, हाथ कंट्रोल में रख, समझा? और पहले वो मेरी दोस्त है। दोस्ती है ना, बीवियां मंगेतर तो नहीं है? हेलो, जबान संभाल के बात कर, समझा? और मैं तो संभाल ही रहा हूं, तू अपनी देख। बहुत देर से नोटिस कर रहा हूं, बदतमीजी किए जा रहा है। घर में शादी का माहौल है, लिहाज कर रहा हूं। वरना वरना क्या बताऊं तुझे? पता क्या करेगा? आ जाओ सब यहाँ। डॉनर, 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 चलो चलो नीचे चलते हैं, देखो कोई तो फंक्शन है। चलो। अब इस तरफ ध्यान दीजिए। आज बैसाखी है और हमारे घर में शादी का माहौल भी, इसलिए मैंने कुछ खास करने का सोचा है। किसी खास ने राय दी है मुझे। ओ की गल है रिया पुत्र, सारे नु इकट्ठा कर ले, दस ना बेटा। वो मुझे आप सबको कुछ बताना है। की पुत्र? भेजी। हाँ? वीर कह रहा था कि हमारी जो सगाई है वो बहुत सादे तरीके से हुई है, कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं हुआ, इसलिए क्या? इसलिए वीर चाहता है कि हमारी शादी में सब शामिल हो। हाँ तो भाई सब शामिल होंगे, इनविटेशन जाएगा सबको। एक बार जब शादी की डेट डिसाइड हो जाएगी तो फिर हम सबके लिए इनविटेशन कार्ड छपाएंगे, सबको भेजेंगे, फिर सारे आएंगे। हाँ भाई सारे पिंड वालों को आना है भाई। हाँ भाई तो मोंटी भी आएगा लंदन से, प्रीति तुरे को भी आना भाई लंदन से। पापा मुझे बात तो करने दीजिए। हाँ बोल बोल। वीर ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो शर्मा रहा है। अच्छा। लेकिन वो चाहता है कि मोंटी और प्रीति की शादी के साथ साथ हमारी शादी भी हो जाए। पुत्री ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो 2 दिन बाद है, वो भी अपने पिंड के गुरुद्वारे में, और हमको तो इतनी सारी तैयारियां। कौन सी तैयारी पापा? कैसी तैयारी? सारी तैयारियां तो हो रखी है ना। गुरुद्वारा बुक है, खाना भी बनेगा, सारे रिश्तेदार सभी तो यहीं पर है, क्या तैयारी करनी है? अब वो कह रही है कि सारी तैयारी है तो है बस। और हाँ वीर और मुझे कपड़े लेने पड़ेंगे बस। और जिस दिन मोंटी और प्रीति की शादी है ना, उस दिन हमारी शादी भी हो जाएगी। पापा मैं और वीर भी यही चाहते हैं। बीजी उधर सच बता, तू भी यही चाहता है? शादी कर लो मुझसे परसों। परसों? इतनी जल्दी क्यों? कोई प्रॉब्लम है? अभी भी श्योर नहीं हो तो? नहीं मतलब जल्दी किस बात की है? मतलब नहीं करनी। एक काम करते हैं वीर, पीजी और दारजी को बता देते कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, एंगेजमेंट भी तोड़ देते हैं, राइट? सारा झंझट खत्म कर देते हैं, तुम भी आजाद हो जाओगे। बीजी और दारजी का क्या है, बेचारे थोड़े से गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, बट इट्स ओके। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, और अपना फेक कंसर्न उनके लिए प्लीज प्लीज मुझे तो मत दिखाना, और किसी प्रेशर में आके शादी मत करना वीर। चलो उनको जाके बताते हैं, आओ। नहीं, शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बार श्योर हो? बैकआउट तो नहीं करोगे ना? नहीं। बोलो पुत्र, तू भी यही चाहता है? लो जी बीजी, आ कर दी इसने। ओए वीर पागल हो गया। एक मिनट, शाबाश वीर, पकड़े का टाइम हो गया। और बारी बरसी खटन गया सी, और खट के लियांदा की? अरे खट के लियांदा सरसों। और खट के लियांदी सरसों, और पकड़ा पाओ मित्रों मेरी कुड़ी दब जाए परसों। रोका क्यों तूने, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? सरदार जी ये जगह और वक्त दोनों सही नहीं है यहाँ, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, पर हम सही करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमें सब्र रखना होगा। वो तो सच कह रहा है कि मजाक कर रहा है? बोलना। सच में यार बहुत प्यारी लगती है मुझे, इश्क हो गया मुझे। और छोड़ यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों भाई, इश्क है, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना है। तुझे जितना टाइम लगना है लगना ही है। कमाल है यार तेरी। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि तू उसके दादाजी के कहने पे बस मजे ले रहा है, और तू तो सच में सेंटी हो रहा है यार। हाँ यार, शुरुआत में दिमाग में यही था, लेकिन कब दिमाग से दिल में उतर गई पता ही नहीं चला। अब तो मेरा ध्यान ग्रीन कार्ड से ज्यादा ना उसे अपने नाम का लाल चोड़ा चढ़ाने में है। वो 2 शादियां तो हो ही रही है परसों, तीसरी तेरी भी करवा दे। काश यार ऐसा हो सकता। सही है बेटा, मुझे ना तेरा अमेरिका जाने का सपना पूरा होते नजर आ रहा है, और वो भी अपने प्यार के साथ। हेलो, 1:30 से 2 के बीच बाहर गेट पर आऊंगा। काम तेनू पहले ही समझा चुका हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं यार, रॉन्ग नंबर था। थोड़ी सी हवा चलती है यहाँ और नेटवर्क उड़ जाता है। मान, क्या हुआ? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और मैं नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ, पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा। अरे आ गया, आया आया। क्या देख रहे हो? अम्मू के पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर रहा हूँ। आ जाना चाहिए था, अब तक आ जाएगा ना। वैसे भी नहीं आया है तो अच्छा ही है। नहीं, अच्छा नहीं। मैं चाहता हूँ कि पासपोर्ट जल्दी से जल्दी आए ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाएं। इफ यू आस्क मी, तो मैं परसों की शादी तक भी नहीं रुकना चाहता, क्योंकि अम्मू बाहर से दिखा रही है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बट आई नो ना कि डीप इनसाइड बहुत हर्ट होगी वो जब वीर की शादी होगी रिया से। बहुत प्यार करती है वीर से और रिया के लिए सैक्रिफाइस कर रही है। वो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन मैं कैसे देखूं अपनी बेटी को इस तकलीफ से गुजरते हुए। अमू स्ट्रांग है मान, ब्रार है वो, जस्ट लाइक यू। व्हाट? क्या हुआ? ये ऐप तो दिखा रहा है कि पासपोर्ट डिलीवर हो चुका है, वो भी इसी घर में। अगर डिलीवर हो गया तो गया कहाँ? कहीं बीजी ने तो क्या कर रहा है वीर? ये ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। अब उसको मैं क्या दोष दूं? गलती तो सारी मेरी है। मैंने कौन सी बड़ी समझदारी दिखाई? पहले वीर और रिया का रिश्ता जोड़ दिया, फिर पता चलता है कि अमृता और वीर एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब जो सोचा था वही उल्टा पड़ गया। नहीं सरदार जी, आपने वीर अमृता को एक करने के लिए जो डॉलर को अमृता के करीब जाने के लिए कहा था, वो अमृता को पता चल गया, स्यापा पड़ गया। ये क्या कह रही है तू? अमृता को पता चल गया? हाँ जी, उसको पता चल गया कि हमने डॉलर को क्या कहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब पता चल गया उसको। और अब वो भी जिद लेके बैठ गई है। पागल हो गई है वो। मैं बात करता हूँ उससे। अमृता पुत्र, इधर पुत्र, देख पुत्र, ये बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है जिसको तू उलझा रही है। और वीर एक दूसरे को प्यार करते हो, ये मान क्यों नहीं लेते हो? हैं? क्यों बेचारी रिया के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं सारे लोग? देख संजोत करो, ये सब जो चल रहा है ना, इसमें अगर मेरी रिया को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। थैंक्स ग्रैंडपा, अच्छा लगा सुन के दादू को अपनी पोती की इतनी चिंता है। लेकिन आप दोनों इन सब के बीच शायद एक बात भूल गए कि आपको रिया का ख्याल है, भीजी को वीर का, लेकिन मीरा किसी को भी रही। लेकिन आप दोनों भी एक बात अच्छे से सुन लीजिए, मैंने अपनी छोटी बहन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके और उसके प्यार के बीच में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वीर पे किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ रिया का है। ये शादी होके रहेगी, मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है शादी को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.